दुआ को मिलने जा रहे हो? Obviously. तुम तो खफा थे उससे, कल तक नाराज थे. मैं उससे नाराज हूं, खफा हूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज भी हुआ होगा कि जो उसने किया वो गलत था और शायद मैं उससे हर्ट हुआ हूं. She didn't even call me once. शायद उसका एतबार तोड़कर तुमने भी उसे हर्ट किया. Come on, Mom. अब तो मुझे कभी कभार ऐसा लगना शुरू हो गया आप मेरी नहीं उसकी माँ. माँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं लड़कपन में तुम्हें टाइम नहीं दे सकी. मुझे लगता था अमेरिका में रहकर तुम सेफ हो, यहाँ की गंदगी, यहाँ के माहौल, यहाँ की बीमारियों से दूर एक तरक्की पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क का हिस्सा. मुझे लगता था वहां रहकर तुम वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो यहाँ रहकर कभी भी नहीं पा सकोगे. मम, क्या हुआ? कोई कमी रह गई? कुछ कमी आपके बेटे में? तुम में कोई कमी नहीं. You're perfect, my son. I know. बस वो quality time नहीं तुम्हें दे सकी. वो quality time missing. और जब something missing का एहसास हो तो जिंदगी में खला महसूस होता है. इसी खला को पूर करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए दुआ का इंतखाब किया. जानते हो, दुआ में बड़ी ताकत होती है. जानता हूं. और वाकई बहुत ताकत है आपकी बाबू. उसने मुझे फ्लैग कर दिया. क्या हाल है? गुड. कब आए? बस अभी, जब तुम अपने भेड़ बकरियों के साथ खेल रहे. यार ये जो भेड़ बकरियां हैं ये हमारे अब्बा ने विरासत में मोहब्बत गिफ्ट की है. दुआ को भी इनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है. गुड, चलो घर चलते हैं. जानती हैं कि मैं अब यहां नहीं रह सकता, और दुआ के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकता. तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? कि मैं उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं और अपने शौहर होने का कानूनी हक इस्तेमाल करके उसको अमेरिका अपने साथ ले जाऊं. और हां, आई प्रॉमिस, मैं उसके और उसके खुदा के बीच में भी नहीं. Thank you.
बेगम साहब अच्छा है, रख दो। बहुत ताकत है आपकी बाबू, उसने मुझे फ्लैग कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उसको रियलाइज भी हुआ होगा कि जो उसने किया है वो गलत था और शायद मैं उससे हर्ट हुआ हूँ। She didn't even call me once. मेरे बच्चे अल्लाह तुम पे अपना करम फरमाए, तुम्हारी यह हट दर्मी जिद जज्बातियत तुमसे कुछ ही मान। अम्मा, अम्मा, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। ये कौन आया है? अरे इधर तो आए, जरा देखिए तो। माशाल्लाह। हाय। वालेकुम अस्सलाम। बताया होता तुम आने वाले हो तो मैं चाय बनवा के रखती। खैर तुम लोग बैठो, गपशप करो, मैं चाय बनवाती हूँ और स्नैक्स लेकर आती। नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपना ही घर है। मैं दुआ से मिलने आया हूँ। दुआ कहाँ है? लेकिन दुआ तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? तुमसे उससे भी कांटेक्ट नहीं हुआ? शायद वो शहर गई है। ड्राइवर के साथ गई है तो शहर ही गई होगी, पर मुझे बताया नहीं उसने। तुम्हें तो जरूर पता होगा, तुम्हें बताए बगैर वो कुछ नहीं करती, सब कुछ लाती है तुम्हारी नॉलेज में। आफ्टर ऑल यू गाइस आर सोलमेट्स। चलो चाय पीते। नहीं आंटी, दुआ के बगैर चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं फिर आऊंगा। अच्छा तुम्हारी अमेरिका की फ्लाइट कब है? हम सोच रहे थे कि तुम्हारे जाने से पहले एक अच्छी सी दावत हो जाए। श्योर आंटी, दावत खाए बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और वैसे मैंने अपने अमेरिका का प्लान थोड़ा सा डिले कर दिया। जी। खुदा हाफिज। मैं इमाम साहब आपने कहा था ना, इंसान का सबसे पहला, सबसे आखिरी और सबसे मजबूत ताल्लुक अपने अल्लाह से होता है। बेशक। और अगर किसी ऐसे शख्स से रिश्ता जुड़ जाए जिसका ताल्लुक अपने रब से गहरा ना हो, जो रब की जात का इकरार ना करता हो मगर इनकार भी ना करता हो, जिससे ये ना हो कि उस पर क्या कुछ फर्ज है, बस ये एहसास हो कि उसकी क्या ख्वाहिशात हैं और उसकी तकमील कैसे हो, तो बेटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इत्मीनान करना है कि सब अल्लाह का है, सब अल्लाह के हैं और अल्लाह सबका है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, बाकियों का भी है। किसी अकेले की जानदारी तो नहीं हो सकती उस खाली के कुल पर। सबको जानता है, सबकी सुनता है, उसे अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। बेटी जब रोशनी होती है तो अंधों को भी एहसास हो जाता है कि अंधेरा कम हुआ है,
इंसान की तरफ मत देखो, अल्लाह की तरफ देखो और देखती रहो, जिससे ताल्लुक बना है वो भी एक रोज मुड़ के जरूर देखेगा कि तुम किसे देख रही हो। अल्लाहु अकबर। रात हो चली है बेटा, आप घर जाएं। जी माम साहब। हक इंसान को ऐसे आवाज देता है बेटी, जैसे रात उतरने पे इंसान को उसका घर आवाज देता है। दया ने आपको बता दिया कि मैं कहाँ हूँ। तो उसको पता था आपका है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर आप चाहें तो उसको फोन करके उससे कंफर्म कर सकती हैं। तो आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? दुआ, जब जमीन पे अंधेरा पड़ने लग जाए चांद की रोशनी ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, बस सर उठा के देखना पड़ता है और वो सामने होता है। क्या हुआ, तुम अब तक मेरे उस दिन वाले रवैये के बारे में सोच रही हो? नहीं, मुझे आपके रवैये ने इतना हर्ट नहीं किया मुझसे जाब, जितना आपके अल्फाज ने किया है। कौन से अल्फाज? आपको वाकई नहीं याद? कम ऑन यार दुआ, क्या आप तुम हर बार यूं मेरे अल्फाज लेके बैठ जाओगी? मैं सच में जब तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैंने क्या कहा, किससे कहा, कब कहा, आई डोंट रिमेम्बर। यही तो दुख की बात है मुझसे जान, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब क्या कह रहे हैं और किसके मुतालिक कह रहे हैं। आप जानते थे कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, किस तरह की सोच रखने वाली लड़की हूँ। आपको सोच समझ कर मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहिए था, और आप मेरी वजह से खुदा को भूल जाए मेरे लिए गम से डूब जाने का मुकाम है। ओके लिसन, आई एम सॉरी, आई एम एक्चुअली सॉरी। ये देखो मैं कान पकड़ रहा हूं। तो जा प्लीज। आई एम सॉरी। स्माइल नाउ, कम ऑन। Smile. हेलो, बस। अच्छा रुक तो जाओ, पहले बताओ ये क्या हो रहा है? ट्रीट है जनाब, आप लोगों के निकाह के बाद हम लोगों की जानिब से फकीरों की तरह मिन्नत समाजत करके हमसे ट्रीट मांगी जा रही थी। लेकिन आप दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए थे कि आप लोगों के कान पकड़कर ढूंढ कर निकालना पड़ गया हमें, इसीलिए हम आ गए हैं कान पकड़ने, अपने नहीं आप लोगों के। चले ट्रीट निकालें। लेकिन इत्मीनान कुन बात यह है कि दावत का सारा इत्मीनान हो चुका है। ओके, और वो किसकी तरफ से? दयांग भाई की तरफ से। ओह अच्छा, यानी कि सरप्राइज। चलें अंदर चलते हैं। चलें। चलो चलो चलो। तुम लोगों ने जो मेरे बालों में सारे फूल फंसा दिए। नसुजा भाई, आपने तो अपना अमेरिका के चटपटे किस्से खूब नमक मिर्च लगा के सुनाओगे दुआ को। क्या मतलब, कौन से किस्से? वही किस्से जो हर अब्रॉड से आने वाला नौजवान अपनी मंगेतर को सुनाता है और आंसू साफ करके कहते हैं, जान
ये सब तो तुम्हारे आने से पहले की बातें हैं, कसम से। काफी खतरनाक लोग हैं, मैं तो इन्हें ऐसे अंडरएस्टिमेट कर रहा था। मुसरजाब, अगर आपके कोई ऐसे किस्से हैं भी ना, तो प्लीज इन लोगों को नमक मिर्च लगा कर ही सुनाइएगा, आपको पूरी इजाजत। अच्छा अच्छा, वैसे आपको मेरे पास के किस्सों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मोहब्बत और भरोसे का तकाजा तो यही है, मुझे सिर्फ हमारे मुस्तकबिल से दिलचस्पी है। मैं चाहती हूँ कि हम हर लम्हे को यादगार बनाएं। हम सब की भी यही ख्वाहिश है और दुआ भी। दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, अब देखते हैं निकाह से रुखसती तक का ये अरसा कैसे गुजारेंगे। मुस्तजाब भाई, सुना है आप अमेरिका जा रहे हैं, अब रह पाएंगे दुआ के बगैर? आप लोगों को किसने बोला कि मैं और दुआ एक दूसरे के बगैर रहने वाले? अब ये नामुमकिन है, उड़ा के ले जाऊंगा इसे। क्या कहते हैं आपके फ्रेंड्स? वही जो सब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले। और तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि तुम भी बहुत लकी हो। चलो मैं कहता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट एक दफा फिर से सरेंडर करता हूँ और कहता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिल रहे। बात पूछूं? आई नो, खैर पूछो। क्या हमारे दरमियान ये बात तय नहीं हो गई थी कि निकाह के बाद पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगी फिर रुखसती होगी? क्या ये बात डिसाइडेड नहीं थी कि शादी के बाद हम पाकिस्तान में ही रहेंगे? Listen to me, Dua. कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान जज्बात में आके किसी से बहुत बड़ा वादा कर बैठता है और उसके बाद वक्त के साथ साथ उसको एहसास होता है वो किसी बहुत बड़ी बात को हामी भर बैठा। तो जाहिर है इसका कोई ना कोई सेफ वे आउट तो होना चाहिए, राइट? मतलब ये दुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मैं अपने आप को मुकम्मल महसूस करता हूँ और तुम ना हो तो बहुत अधूरा, बहुत नामुकम्मल। दुआ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मोहब्बत मुझ जैसे एक सेल्फ सेंटर्ड, एक अनापरस्त इंसान के पर ऐसे काट दिया। कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शख्स अपने बिलावट का सहारा ढूंढता है। That's it. Do please try to understand. I really love you. प्लीज आ जाओ ना मेरी जिंदगी में, मेरे साथ चलो, हम दोनों एक नई दुनिया बनाएंगे।
एक नई दुनिया एक्सप्लोर करेंगे टुगेदर फॉरएवर. बॉबी, बॉबी, हॉस्पिटल से फोन आया. क्या हुआ? क्या हुआ? शकीला आंटी. मामा, क्या हुआ दाई? उनको माइनर अटैक है. चलो 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 चलो. हाँ ओके, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा. मॉम, यू ओके? से यू फाइन? फाइन. आई लव यू. आई नो. मुझे अपनी फिक्र नहीं, दुआ है ना तुम्हारे साथ. मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, ये प्यार से सब कुछ मान जाते हैं. कैसी बातें कर रही हो शकीला? अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे, सेहत दे, जिंदगी दे. बच्चों की खुशियां देखनी है, अभी तो नानी दादी बनना है ना? सजाद भाई. जी कहिए. बहन होने के मान से आपसे एक दरख्वास्त करनी है. उम्मीद है आप रद्द नहीं करेंगे. नहीं, जब आपको बहन बोला था तो बहन माना भी है. आप कहिए क्या कहना चाहते हैं. मुझे एतबार नहीं रहा अपनी धड़कन पर, अपनी सांसों पर. मैं तो आगे रुक सकती चाहती हूँ फौरन. दुआ मेरी दवा बन के घर चली आएगी तो मैं फिर से जी उठूंगी. नहीं, ऐसा मुश्किल भी नहीं है. दुआ सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी बेटी है. आपकी इस ख्वाहिश के लिए हम अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो सकते हैं. ये क्या किया अपा ने? वही जो उनको शायद करना चाहिए था. दुआ, बेटी के माँ बाप ना तने हुए रस्से पर चल रहे होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है. एक गलत कदम कम आज नहीं होता उनके पास, एक गलत कदम. और दाई, मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई, मेरे डिसीजंस, और उन लोगों ने जो वादे किए थे उसका क्या? तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी और के नहीं, अपने बाप के फैसले पर सरेंडर कर रही हो. तुम प्लीज आ जाओ ना मेरी जिंदगी में, मेरे साथ चलो. हम दोनों एक नई दुनिया बनाएंगे, एक नई दुनिया एक्सप्लोर करेंगे. Together forever. Please. चार मैनू तेरे नाल होया है प्यार.
होया ए प्यार अब क्या करें, मेरा लहंगा फंसेगा, गिर जाऊंगी मैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कहने दूंगा? कभी भी नहीं कहना, तो दूर की बात, तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिर सकता। अब तुम सिर्फ मुस्कुराओगी हमेशा मेरे लिए। वो हंसी खुशी रस्म में करवा रही हूँ, ससुराल में अपने लाड और छोंछले उठवा रही होगी। और हमें देख, हम यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, उन्हें गाल रगड़े और आँखें खराब कर रहे। ताई, मुझे लगता है हमने दुआ के साथ ठीक नहीं किया। उसकी मर्जी के बरखिलाफ उसकी ख्वाहिशों पर सौदा कर दिया था।
मैं तो आखिरी रिश्तों की क्या कमी थी? आप किन बातों में भटक रही? कल तक आप कितना खुश थी इसी रिश्ते के आने पर, और आज इसी रिश्ते पर बदगुमान हो रही? आज जबकि सारे गुमान अच्छे करने का वक्त है। ना खुश नहीं हूं भाई, बेटी की माँ तो इस तरह से उजलत में अपने सारे काम अधूरे छोड़ के जाने को राजी नहीं थी। बहुत सारी शरारत रखी थी उसने, लेकिन उन लोगों ने उसकी किसी बात का मान नहीं रखा। चलो ठीक है, वो तो गैर तेरे खुशी को आने, लेकिन मैं तो मां थी ना, क्यों क्यों उसकी मर्जी के बरखिलाफ इतनी उजलत में विदा किया मैंने उसे, क्यों किया? तरुण के रूप में जैसे जन्नत की हूर लग रही थी ना, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी, जो शिकवा था उसके सिले हुए लबों में, वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को। और लोगों ने वो ही किया जो उन्होंने पहले दिन से सोचा था। अब उस तजावुज से अमेरिका भी ले जाएगा। अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी हर एक लफ्ज पर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें खुद को और दुआ को ये यकीन दिलाना होगा कि जो हुआ यही तय होना था। दुआ उदास जरूर थी, नाखुश नहीं थी, उसे शिकवा था, पर अपनी खुशकिस्मती पर नाज भी था। आप प्लीज दुआ से इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। उसके दिल के आईने पर बदगुमानी का सर्रा छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए। दुआ इस बंधन में बंध चुकी है, हमें उस बंधन को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। सो जहां भी रहे खुश रहे, आप भी हंसते रहे मुस्कुराते रहे। बस ना हमें कभी कोई जुदा कर सकेगा, तो ना कभी कोई हमारे बीच आएगा। मिस्टर राव, आपके और मेरे दरमियान एतबार बुनियादी चीज है, इस एतबार को हमेशा कायम रखिएगा। और आपका और मेरा जो रिश्ता है, उसमें पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाने की कोशिश करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। वादा करूं कि कोई हमारे बीच कभी इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी पर आपका हक हमेशा मुकद्दम रहेगा मुस्तजा। मियां बीवी के जो हुकूक और फराइज होते हैं, उसे हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। What is this?
अलार्म है वो, इशा की नमाज पढ़नी थी ना, इसलिए लगाया था मैंने। नमाज अभी इस वक्त? बस बस 15 मिनट दे, मैं नमाज पढ़ लूं। दुआ, तुम सुबह भी तो नमाज पढ़ सकती हो, व्हाट्स द बिग डील? सचा मैं अपनी नमाज कज़ा नहीं कर सकती, आपको पता है ये बात। याद है आपने मुझे क्या कहा था? कि मेरे और मेरे खुदा के बीच आप नहीं आएंगे, वादा किया था आपने मुझसे, याद है आपको? ठीक है।